सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस थाने के एएसआई सुमेर सिंह को चुरू के भर्तिया अस्पताल में रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चुरू एसीबी के डीएसपी सबीर खान ने बताया कि चुरू निवासी एक महिला से धोखाधड़ी के मामले में रिश्वत मांगी गई थी और 10,000 रुपये आज प्राप्त करते हुए एएसआई सुमेर सिंह को भर्तिया अस्पताल में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एसीबी के डीएसपी ने बताया कि आरोपी द्वारा इससे ज़्यादा राशि एफआर लगाने की एवज में मांगी गई थी। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस थाने में एएसआई सुमेर सिंह तैनात है और एसीबी की इस कार्रवाई से सुजानगढ़ के भी अन्य विभागों में हड़कंप सा मच गया है। पुलिस महकमे में भी खासा हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, महिला द्वारा 3 सितंबर को चुरू एसीबी में इस आशय का परिवार देखकर मामले की जानकारी दी गई थी, जिस पर पूरी कार्रवाई की गई। वादिया उपस्थित हुई थी चौकी पे और इसने बताया था कि मेरे और मेरे आदमी के खिलाफ सुजानगढ़ कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज है 400 BC का, जो लेन देन का, हमारे सोने का हार वगैरह का कोई लेन देन का, जो मेरी बेटी ने मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसकी तफ्तीश सुमेर सिंह एएसआई वहाँ कर रहे हैं, थानेदार जी सुमेर सिंह कर रहे हैं। तो वो मेरे को 50,000 रुपये मांग कर रहे हैं और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमने उसका परिवाद पे 4 तारीख को सत्यापन करवाया, तो सत्यापन के दौरान सुमेर सिंह ने परिवादिया से 4,000 रुपये लिए और 20,000 रुपये उन्होंने डिमांड की थी, 20,000 की जगह उन्होंने 4,000 रुपये ले लिए थे और बाकी के फिर उन्होंने 14,000 रुपये और लेने पर सहमत हुआ। तो उनकी एवज में आज हमने 10,000 रुपये परिवादिया से सुमेर सिंह को यहाँ भर्तिया हॉस्पिटल के सामने लेते हुए मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और अभी कार्रवाई की जा रही है। सुमेर सिंह छुट्टी पे था, आज ये वापस सुजानगढ़ थाने में अपने जा रहा था, तो इन्होंने जाते हुए यहाँ चुरू मुख्यालय पे ही भर्तिया हॉस्पिटल ही परिवादिया को रुपए लेने के लिए बुलाया था, तो हमने यह कार्रवाई भर्तिया हॉस्पिटल के बाहर ही की। तो परिवादिया है वो चुरू की है? परिवादी है, चुरू की है, यहाँ उस्मानाबाद कच्ची बस्ती में रहती है। और कितनी उम्र होगी इसकी महिला की? महिला की 50-55 साल होगी। और ऐसी भी है वो आगे इसके अंदर और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है? अभी तो हम मौके की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद में जांच में जो भी आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।